मुझे लगा था कि तुम समझदार हो, एक्सपीरियंस्ड हो, संभाल लोगी, अम्मी का ख्याल रखोगे, लेकिन तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। अपने घर के मसलों को घर में रखो और अपनी जॉब पे फोकस करो। आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए फबिया, काम ऐसे नहीं होते, काम को प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। और अगर तुम्हें नहीं करना जॉब तो मुझे बता दो, मैं कोई और लड़की हायर कर लूंगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं आइंदा ख्याल करूंगी। हेलो। हाँ माँ, नहीं आज ऑफिस नहीं आऊँगा। हाँ सनाया मैम से कह दो कि हमजा की तबीयत ठीक नहीं है, और वो मैप जो है ना वो टेबल पे रखा है, उन्हें दे देना प्लीज़। ठीक है। फबिया फोन क्यों नहीं उठा रही है? नहीं इंसान की किस्मत खराब हो तो वो क्या ही कर सकता है आंटी। किस्मत तो खुद बनाने से बनती है बेटे, इस तरह रोने से तो हालात थोड़े ही बदलते हैं। हालात ने इतना मजबूर कर दिया कि कोई रास्ता नजर ही नहीं आता, बस घर में बसे लोगों की मजबूरियां नजर आती हैं। पता है, वक्त निकल जाने के बाद लड़कियों की शादी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसी मुश्किल से मेरी बड़ी बहन भी गुजर रही थी, और फिर ऊपर से लड़के वालों की डिमांड्स, कभी मोटर बाइक, कभी घर की फरमाइश, कभी मस्कत जाने की फरमाइश। मस्कत में मेरे मामू रहते हैं, उन्होंने बताया कि मस्कत जाने के लिए 4.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, और इसी शर्त पर हम भी राजी हो गए कि हारिस भाई मस्कत जाने से पहले फरीन आपे से निकाह कर लेंगे। मैं जहाँ पहले काम करती थी वहाँ हारून साहब से मैंने बदकिस्मती से पैसे उधार ले लिए और हारिस भाई को मस्कत भिजवा दिया। बाद में उन्होंने मुझे हिरासा करना शुरू कर दिया था, बस जैसे तैसे करके अपनी इज्जत बचा कर निकली। मैं आज तक अपनी इज्जत बचाती फिर रही हूँ। पैसा भी कितनी अजीब चीज़ है ना आंटी, पास हो तो इज्जत बनाता है, ना हो तो इज्जत खुद बचानी पड़ती है। आप दुआ कीजिएगा, जिंदगी रुक जाए लेकिन इज्जत ना जाए। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ।